साथियों सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवजीवन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जीएस ऑफिशियल नवजीवन में। मैं एच रोशन एक बार फिर उपस्थित हूँ क्वेश्चन आवर एट 9 PM लेकर के। और आज बारी है करंट अफेयर इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवालों की। वैसे सवाल जो हमने कहा कि आपके सफलता का एक सूचक बने और आप निश्चित तौर पर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं, उसके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आवर का 17वां सेट है और आज 10 सवाल महत्वपूर्ण, जिसमें खासकर करंट अफेयर की बात ज्यादा है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण सवाल मैं लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन आवर का पहला सवाल कहता क्या है। 17वां सेट का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है सवाल को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए और अपने अपने स्तर से आंसर करिए ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि अब काउंट डाउन शुरू है। दरोगा का एग्जाम होने वाला है 17 तारीख को, फिर बिहार इंटर स्तरीय का भी एग्जाम होगा, जिसमें ऐसे सवाल आपकी सफलता का परिचायक बनेंगे। इसी के लिए मैं ये सब सेशन लेकर के आ रहा हूं। तो चलिए पहला सवाल कहता है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार के लिए 11 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। तो पूर्व राष्ट्रपति को 11 वर्ष की सजा, एक बड़ी घटना हमारे पड़ोसी देश में कहां घटी, इंडोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका या मालदीव। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 2022 के लास्ट में ये घटना घटित हुई थी और तब एक पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम है अब्दुल्ला यामीन। तो ये ध्यान रखना है अब्दुल्ला यामीन, और इन्हीं को ये कारावास की सजा दी गई, जिसके लिए इन पर आरोप था धन शोधन का, और धन शोधन के साथ साथ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और इसी के चलते इन्हें ये कारावास दी गई। और ये पूर्व राष्ट्रपति थे किस देश के, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश मालदीप के राष्ट्रपति थे और इन्हीं को कारावास की सजा दी गई। मालदीप की राजधानी याद रखना है माले है, और ये एक ऐसा देश है जो एशिया का सबसे छोटा देश है, एशिया का सबसे छोटा देश। तो ध्यान रखना है सबसे छोटा देश में एशिया का ये, सबसे बड़ा रूस है, ध्यान देना है। और ये भी ध्यान देना है कि मालदीप हमारे नजदीक एक द्वीपीय देश है और यह है विषुवत रेखा पर मौजूद है, विषुवत रेखा पर। तो ये ध्यान रखना है, और इसके बीच और भारत के बीच, मालदीप और भारत के बीच एक चैनल है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। तो ये ध्यान रखना है, तो 8 डिग्री चैनल है, विषुवत रेखा पर है मालदीप, मालेश की राजधानी है, एशिया का सबसे छोटा देश है, और इसी देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष की कारावास की सजा दी गई। तो याद रखना है इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश है, सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश, ये ध्यान रखना है। यहां पर कुल 14,000 द्वीप हैं, जिसमें जावा और सुमात्रा जैसे बड़े द्वीप भी हैं। याद रखना इंडोनेशिया अभी चर्चा में है क्योंकि ये 2045 तक अपनी राजधानी को चेंज करना चाह रहा है और ले जाना जा रहा है नूर संतारा। तो नूर संतारा जहां इसकी राजधानी होगी 2045 में, वर्तमान में इसकी राजधानी जकार्ता है, और ये नूर संतारा जो है बोर्नियो द्वीप पर है, याद रखना है बोर्नियो, और बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। तो इंडोनेशिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जबकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है और इसकी दो राजधानी है जयवर्धनापुरे, तो याद रखना है जयवर्धनापुरे, और दूसरा है कोलंबो, और ये दो राजधानी वाला हमारा पड़ोसी देश है, ये ध्यान रखना है। इसी के बीच श्रीराम सेतु भारत श्रीलंका के बीच, जबकि बर्मा की राजधानी नेपियाडो है, नेपियाडो, तो याद रखना है, और इसकी राजधानी नेपियाडो है, और यहाँ की एक प्रमुख नेता है जिनका नाम है आंग सांग सूकी, लोकतांत्रिक नेता आंग सांग सूकी। तो ये ध्यान देना है, और इस प्रकार से ये चारों पॉइंट से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए निकल कर के आ रहा है, जिसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, दूसरा नंबर क्या कहता है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाने की बहुत संभावना है। कहता है कि जैव विविधता का 15वां सम्मेलन, ये ध्यान रखना है, जिसको
COP15 भी कहा जाता है। COP15 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, 15वां सम्मेलन है। इसकी मेजबानी किस देश ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेजबानी के बारे में पूछ रहा है। मेजबान का मतलब होता है जो इसको होस्ट करता है, जिसको होस्टिंग का मौका मिलता है, और वहां पर जो पहुंचते हैं वो मेहमान होते हैं गेस्ट के रूप में। तो मेजबान देश कौन था जिसने इसको आयोजित किया, 15वां जैव विविधता का सम्मेलन? कनाडा था, चीन था, मिस्र था, या संयुक्त अरब अमीरात था? तो आपको पता होना चाहिए जैव विविधता पर ये 15वां सम्मेलन जो COP15 का हुआ, इसकी मेजबानी किया चीन ने। ये ध्यान रखना है, किसने किया? चीन ने। जबकि ये हुआ आयोजन कहां? तो कनाडा का एक शहर है, नाम है मॉन्ट्रियल। तो ध्यान रखेंगे मॉन्ट्रियल में, कनाडा में संपन्न हुआ, लेकिन इसकी मेजबानी किया था चीन ने। इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप ध्यान रखेंगे। पहला बात ध्यान देंगे कि जैव विविधता क्या होता है, तो ध्यान देना है कि पौधे और जीव जंतु में जानवर, ये दोनों को, जितने भी प्रकार की प्रजाति होती है अलग अलग प्रकार की, इन्हीं प्रजातियों को हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और जहां बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होता है उसे हॉट स्पॉट माना जाता है, हॉट स्पॉट। और दुनिया में 36 हॉट स्पॉट है, जिसमें 4 हॉट स्पॉट भारत में है। तो हॉट स्पॉट से पर संबंधित जैव विविधता के बारे में वार्ता करने के लिए, कि जीवों की प्रजाति को बचाया जाए, ये लुप्त ना हो, इसके लिए कॉन्फ्रेंस का 15वां सम्मेलन था, और ये हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में, लेकिन मेजबानी किसने किया? चीन ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो तीसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर मौजूद है, सभी लोग बनाते रहिए और ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जो इंपॉर्टेंटली आपके लिए मैं लेकर आया हूं, वो ध्यान देंगे। तो एक सवाल है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कहता क्या है कि फोर्स के अनुसार, फोर्स एक पत्रिका है, ध्यान रखना है, फोर्स के अनुसार 2022 की भारत की सबसे शक्तिशाली महिला किसे चुना गया? 2022 की भारत की सबसे पावरफुल वुमेन किसको माना गया? निर्मला सीतारमन, किरण मजुमदार शॉ, फागुनी नायर या रोशनी नाडर मल्होत्रा, किनको चुना गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, जो आपको ध्यान रखना है साथियों। तो ध्यान देंगे कि कौन किनको चुना गया। तो ध्यान रखना है कि फोर्स क्या है, कि फोर्स एक कॉमर्शियल मैगजीन है जो अमेरिका से निकलता है, यूएसए से, और ये दुनिया के प्रभावी 100 महिलाओं की सूची जारी करता है, 100, और 100 में सबसे शक्तिशाली जो होता है उनकी सूची जारी होती है। अब ये 100 में भारत की 6 महिलाओं को जगह मिला था यहां, तो ध्यान रखना है 6 महिलाओं को, और ये 6 महिलाओं में सबसे पावरफुल किनको माना गया? तो सबको पता होगा, मैक्सिमम लोग जानते होंगे और जानना चाहिए, वो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, और ये लगातार बने हुए इस लिस्ट में, 100 की सूची में, तो ध्यान रखना है। और इनका 100 में स्थान था 36वां, 100 में स्थान कितना था, तो 36वां पोजीशन पर थे, विश्व में 36वां सबसे शक्तिशाली। जबकि 36वां के बाद जो सेकेंड नंबर पर थे वो रोशनी नाडल मल्होत्रा, वो 53वां नंबर पर, तो ध्यान रखना है। और ये रोशनी नाडल मल्होत्रा HCL के कंपनी के मालिक, जिनका नाम है शिव नाडर, उनकी बेटी है इकलौती, और इन्हीं को भारत का दूसरा सबसे शक्तिशाली महिला माना गया। जबकि किरण मजदार सौ का, जिनका 72वां स्थान था, और 72वां स्थान के आधार पर ये भारत के तीसरी शक्तिशाली, जबकि फागुनी नायर का स्थान 89वां था, तो ये ध्यान रखना है, और ये चौथे स्थान पर। तो इस प्रकार से फागुनी नायर नायका एक कंपनी है, उसकी चेयरपर्सन है, जबकि किरण मजदार सौ की कंपनी का नाम है बायोकॉम, और बायोकॉम के चेयरमैन के रूप में काम करती हैं। तो ये चारों को 1-4 से पावरफुल महिला, जिसमें सबसे शक्तिशाली निर्मला सीतारमन को भारत की सबसे पावरफुल महिला माना गया, विश्व स्तर पर 36वां स्थान। जबकि ये पूछे कि विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कौन, तो ध्यान रखना है यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं एक महिला, जिनका नाम है उर्सुला बान डेर लेन, और इन्हों को चुना गया 100 में सबसे शक्तिशाली महिला
पावरफुल वीमेन ऑफ द वर्ल्ड। तो ध्यान रखना, यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन को चुना गया, जबकि भारत की सबसे शक्तिशाली पूछेगा तो निर्मला सीतारमन की बात आएगी। तो ये आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये याद रखना है, गरीब कल्याण अन्न योजना जिसे समाप्त कर दिया गया वो कब शुरू हुआ था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक योजना लाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा जब कोविड समय चल रहा था, और कोविड आया था 2020 के शुरुआत में, और 2020 के शुरुआत में जब लॉकडाउन लगाया सरकार ने, देश को तालाबंदी कर दिया, तो उस समय सरकार ने गरीब लोगों को ध्यान रख करके कि काम जब बंद है तो भोजन कैसे मिलेगा, वो लोग कहाँ से खाएंगे, जो खमाने खाने वाले लोग हैं, प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने ये योजना लाया। तो 2020 में कोविड शुरू हुआ था, और शुरुआती दौर में जो लगा उसी में ये योजना की शुरुआत किया सरकार ने अप्रैल 2020 में। तो ध्यान रखना है, जो बीच बीच में बंदी की घोषणा होती रही और अभी भी सरकार कह रही है कि और भी हम इस योजना को नए रूप में ला करके योजना का लाभ देंगे। और ये योजना था क्या? तो गरीब परिवार के लोगों को, जो देश की जनसंख्या का लगभग 81 करोड़ है, और 81 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीने 5 kg अनाज देने का मुफ्त व्यवस्था इसके द्वारा किया गया। तो 5 kg अन्न मुफ्त रूप से दिया जाता है प्रत्येक व्यक्ति को इस योजना के तहत, और इस योजना की शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना है, अप्रैल 2020 में। तो ये केंद्र सरकार की योजना थी और कोविड के कारण ये लाया गया था, तो ध्यान रखना। आगे चलें, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन पर है। कहता है फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो फिक्की कौची है? फिक्की, ये फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये फिक्की जो भारत में उद्योगों के लिए काम करती है संगठन के तौर पर और इंडस्ट्री पर वर्क करती है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार सिंह, अनिल कुमार लोहाटी, सूर्यकांत पांडा या संजीव मेहता, किनको चुना गया, ये ध्यान रखना है। तो पहला ध्यान देंगे कि इसको जो नियुक्ति दिया गया है वो नियुक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिक्की के बराबर पूछता रहता है, और वो हैं सूर्यकांत पांडा जो 2023 के लिए फिक्की के अध्यक्ष हैं, जबकि अनिल कुमार लोहाटी को चुना गया है इंपॉर्टेंटली रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। तो ध्यान रखना है कि ये दोनों को ध्यान रखेंगे, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटी को, जबकि फिक्की के अध्यक्ष के रूप में सूर्यकांत पांडा को। बहुत सारी नियुक्तियां होती है लेकिन सभी नियुक्ति याद नहीं रखना है, आपको ध्यान देना है जो इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में जरूर आप नजर रखें। तो फिक्की का फुल फॉर्म भी याद रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके अध्यक्ष चुने गए हैं सूर्यकांत पांडा, तो ये ध्यान रखना है। पांचवा सवाल, छठा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल भी बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या कहता है ध्यान दीजिए, कहता है कि भारत के किस सुंदरी को 2022 का मिसेज वर्ल्ड चुना गया? तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, मिसेज वर्ल्ड है, मिस वर्ल्ड नहीं है। मिस वर्ल्ड मतलब कुमारी लड़कियों के बारे में सुंदरियों का चुनाव होता है, और मिसेज वर्ल्ड जो एक पत्नी के रूप में दुनिया में सुंदरता के ब्यूटी की पहचान होती है, तो एक पत्नी के रूप में मैरिड वीमेन का चुनाव होता है तो उसको मिसेज वर्ल्ड कहते हैं। ऑप्शन में सिनी सेट्टी, हरनाज संधु, सरगम कौशल या मीना चोई, किनको चुना गया? तो आप में से बहुत लोग को पता है और आंसर भी बहुत सही देते हैं, लेकिन जो नहीं पता है वो जरूर इसको ध्यान रखें। तो कहता क्या है कि ये जो मिसेज वर्ल्ड 2022 का चुना गया वो कौन है? सरगम कौशल है, ध्यान देंगे, जबकि सिनी सेट्टी क्या है? तो सिनी सेट्टी को ध्यान देना है कि ये मिस इंडिया 2022 है, मिस इंडिया 2022 के रूप में इनको चुना गया, जबकि हरनाज संधु मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, ये ध्यान रखना है, मिस वर्ल्ड चुना गया था, और मिस वर्ल्ड जो चुना गया वो ध्यान रखना है किस साल के लिए? तो 2021 के लिए, जबकि मीना चोई को मिस अर्थ चुना गया है, मिस अर्थ 2022 का, और ये चुना गया
जो दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं और इनको मिस अर्थ के रूप में 2022 में सिलेक्ट किया गया। तो मिसेज वर्ल्ड के रूप में चुनी जाने वाली महिला के रूप में सरगम कौशल को याद रखेंगे। इसके पहले 5 मिनट बैठिए, इसके पहले अदिति गोपरीकर को चुना गया था मिसेज वर्ल्ड। तो ये ध्यान रखना है 2022 का सरगम कौशल। सातवां नंबर जो सवाल है उसको ध्यान दीजिए, क्या कहता है? कहता है मनीषा रामदास जो चर्चा में है, मनीषा रामदास जो चर्चा में है उनका संबंध किस खेल से? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। मनीषा रामदास बैडमिंटन से, भाला फेंक से, टेनिस से या हॉकी से? तो ध्यान रखना है कि मनीषा रामदास एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, पैरा बैडमिंटन ध्यान रखना है। और पैरा बैडमिंटन के रूप में जो इन्होंने खेला उसमें एक कैटेगरी होता है SU5 और इसमें इनको विश्व का प्रथम खिलाड़ी चुना गया और इस रूप में ये चर्चा में हैं और इसको याद रखना है। तो मतलब इनका संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से, ध्यान देंगे। जबकि भाला फेंक से लिए अभी चर्चित हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है नीरज चोपड़ा जो बराबर एग्जाम में पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। तो मनीष रामदास पैरा बैडमिंटन के विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं और वर्तमान में विश्व में स्थान इनका पहला है, तो ध्यान रखना है। पैरा मतलब होता है वैसे खिलाड़ी जो किसी न किसी अंगों से अनेबल होते हैं खेलने में, उनकी दिव्यांगता होती है, तब उनको पैरा ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिलता है। आगे चलें तो आठवां सवाल आपके स्क्रीन पर है, ध्यान देना है क्या कह रहा है। कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के अंतर्गत कितना भाषाओं में जो कृतियां थी उनको पुरस्कार दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग अलग भाषाओं में जो पुस्तक लिखे जाते हैं, रचनाएं की जाती है, उसके लिए दिया जाता है। और कह रहा है 2022 में कितने भाषाओं में अलग अलग पुस्तकों को दिया गया, अलग अलग रचनाओं को दिया गया। तो ध्यान देना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 22 उन भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची में संविधान में वर्णित है, 22 भाषा को जो मानता मिला उसको। उसके अलावा दो और भाषा मिलता है, एक अंग्रेजी भाषा होता है और दूसरा राजस्थानी भाषा, और इन दोनों के लिए भी मिलता है। तो 22 जो संविधान में मान्यता प्राप्त है और दो जो अंग्रेजी राजस्थानी है, तो 22 और दो टोटल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार देने का प्रचलन है देश में, तो ये ध्यान रखना है। तो ये आठवां सवाल। नौवां सवाल आपके स्क्रीन पर, 2022 के लिए एक इंपॉर्टेंट घोषणा हुआ एथलीट्स का, 2022 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया, ध्यान रखना है। पुरुष एथलीट वर्ल्ड का 2022 का सबसे अच्छा एथलीट किसको माना गया? मोडो डुप्लांटिस को, मैक लागलिन को, एरियन नाइटन को, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां दो का नाम याद रखेंगे, मोडो डुप्लांटिस, इन्हीं को चुना गया विश्व का सर्वश्रेष्ठ एथलीट, और ये पुरुष हैं, ये ध्यान रखना है पुरुष। और पुरुष में जो हैं ये एक इंपॉर्टेंट पोल बोल्टर हैं, पोल बोल्टर एक खेल होता है पोल बोल्टर, और पोल बोल्टर के रूप में ये एक स्वीडन के खिलाड़ी हैं, स्वीडन के, तो ध्यान रखना है। स्वीडिश पोल बोल्टर मोडो डुप्लांटिस को 2022 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया, जबकि मैक लागलिन को 2022 का ही जो अमेरिकी धावक हैं, यूएसए के 400 मीटर की अमेरिकी धावक हैं, और इनके लिए जो चुना गया यह विश्व की सबसे बेहतरीन महिला एथलीट। तो महिला का पूछेगा तो लागलिन का नाम लेंगे, और पुरुष का पूछेगा तो याद रखना है मोडो डुप्लांटिस का नाम लेंगे। तो 400 मीटर में धाविका हैं ये, इस बार 2 विश्व रिकॉर्ड बनाया, और ये कई बार इस साल पोल बोल्टर के रूप में कई ऊंचाई को छुआ जो विश्व स्तर का रिकॉर्ड है, इसलिए इनको पुरुषों में सबसे अच्छा और इनको महिला में सबसे अच्छा, तो याद रखना है। अब आज के क्वेश्चन आवर का अंतिम सवाल जो 10वां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी सवाल आपको बराबर एग्जाम में मिलेगा। हाल ही में महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया, पेले ये किस देश से खिलाड़ी थे इसके बारे में पूछा गया है, पेले का, ये ध्यान रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, खिलाड़ी पेले, और पेले का संबंध किस देश से? ब्राजील से, अर्जेंटीना से, फ्रांस से या इटली से? तो ध्यान रखेंगे ये सभी देश ऐसे हैं जो फुटबॉल में बहुत महारत हासिल कर रखे हैं, और उस फुटबॉल के खेल में जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण खेलों में से एक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में पेले को याद किया जाता है।
और पेले को जो फुटबॉल का आयोजन करता है संस्था जिसका नाम है फीफा ने एक उपाधि दिया है द ग्रेटेस्ट, मतलब इनसे बड़ा कोई फुटबॉल खिलाड़ी आज तक हुआ ही नहीं, और इसलिए इनको द ग्रेटेस्ट की उपाधि दिया, इसलिए कि इन्होंने 3 विश्व कप में भाग लिया और 3 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे, और ये जीता 58 में, 1900, 1962 में और 1970 में। तो 1958, 62 और 70 के विश्व कप फुटबॉल विजेता टीम के हिस्सा रहे, और ये जो खेल रहे थे ये ब्राजील के टीम से खेलते थे। तो ध्यान रखना है, जिनको दुनिया पेले के नाम से जानती थी लेकिन एक्चुअल इनका नाम अलग था, और वो नाम था एडसन आरांतेस डो निसीमेंटो। तो ध्यान रखना है निसीमेंटो, तो इनको इस नाम से, एक्चुअल इनका मूल नाम ये था लेकिन फुटबॉल में चर्चित हो गए और चर्चा जो हुआ उनका नाम दुनिया में पेले के नाम से मशहूर हो गए। कुछ ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी, 3 विश्व कप खेला और तीनों में विजेता के रूप में इस टीम को स्थापित किया, और इसलिए इनको फीफा ने द ग्रेटेस्ट की उपाधि से सम्मानित किया। तो याद रखना है, तो यही था आज का क्वेश्चन आवर का 10 महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए क्वेश्चन आवर के साथ। जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।